कोविड महामारी को लेकर गांव-गांव में चल रहे वैक्सीनेशन और इलाज की सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड इंटीग्रेटेड कमांडर सेंटर का मुआयना किया और जिला चिकित्सालय में संचालित वैक्सीन लगवाने आए लोगों और वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री जिले के जोगिया गांव भी पहुंच गए और निगरानी समिति के सदस्यों से मुलाकात की। गांव में कितने लोगों की जांच की आप लोगों ने? और शेष अन्य लोगों की नहीं की? सर की गई होगी जी। पॉजिटिव केस तो तब आएगा, पहले तो जब आप जांच करेंगे ना, घर घर जा करके पूछेंगे कि भाई किसी को बुखार सर्दी जुकाम खांसी, तो ये जांच करते हैं जी सर, ये किया जाता है। और दवा सर? दवा भी जो है लक्षण युक्त मिलते हैं तो उन्हें आप लोग देते हैं जी सर। कितने लोगों को यहाँ दवा दी गाँव में? सर इस समय जो है 10 लोगों को दी है। कोई कोरोना पॉजिटिव कोई आया? किसी की जांच हुई इसके बाद उनकी? नहीं सर, उसमें भी नहीं पॉजिटिव है। कोई नहीं आया गाँव में, कोरोना नहीं है सर। इस समय 2 जो है केस है पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव केस हैं। हाँ, 2 केस हैं। तो उनको दवा वगैरह मिल गई? हाँ सर, दवा मिल गई। जांच का गांव में आके टीम ने किया था? ठीक है, वे लोग सब ठीक हैं? डॉक्टर बातचीत कर रहा है उन लोगों से? गांव का दौरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और करीब 1 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में कोविड के इलाज और वैक्सीनेशन पर अधिकारियों ने उन्हें ब्रीफ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरे देश में महाअभियान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है और इस अभियान का अच्छा परिणाम भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 4,80,00,000 टेस्ट हुए हैं और प्रदेश में कोविड के अच्छे प्रबंध की वजह से अब केस कम हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 1 सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस भी जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गाँव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम ने कोरोना के प्रभावी नियंत्रण की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश ने तैयारी पूरी कर ली है और अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन के साथ बच्चों के लिए भी मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।